यही है वो हवेली, सब लोग अच्छी तरह से देख लो, इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना है। पर हवेली खूबसूरत है सर। है? इसकी खूबसूरती के दिन खत्म, चलो। हमारे बार बार नोटिस भेजने पर भी आप ये हवेली खाली नहीं कर रही है। ये आखिरी नोटिस है, कल तक आपको ये हवेली खाली करनी होगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हवेली तुम लोग तोड़ नहीं सकते। ऐसा करना ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। देखिए, यहाँ पे हाईवे बनने वाला है और ये हवेली रास्ते में आ रही है। आपका जो भी बनता है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कल तक ये हवेली खाली करनी होगी। तुम उसे क्यों बुलाना चाह रहे हो जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए? किसकी बात कर रही हैं आप? बताओ। उसी की बात कर रही हूँ जो यहाँ तुम लोगों को कुछ भी करने नहीं देगी। इस हवेली को हाथ लगाने का अंजाम शायद तुम लोग जानते नहीं हो। मैं भी नहीं जानती थी, मैंने भी एक ही गलती की थी। जानते हो क्या हुआ? ये देखो, देखा? इस हवेली को जो भी हाथ लगाएगा उसका क्या होगा भगवान ही जानता है। सर, ये हवेली की फाइल है सर, आज ही साइन करने हैं। लाओ, अब भी साइन करके मैं इस हवेली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता हूं। वाओ, सलोनी ने अपने सारे पैसे लुटा दिए इस हवेली को खरीदने में, मगर दांत देनी पड़ेगी उसकी पसंद की। हवेली है वाकई में शानदार। मुझे तो ताज्जुब होता है कि सलोनी के पास इन सब के लिए इतना पैसा आता कहाँ से। नानी, उसका बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, पता नहीं वो ये सब करती कैसे। तो तुम्हारा क्या मतलब है, दाल में कुछ काला है? दाल में काला नहीं, काले में दाल। इतना बड़ा काला है, इतनी बड़ी हवेली खरीदना आसान है क्या? तो क्या बातें कर रहे थे आप लोग? हम ऐसे सलोनी, कंग्रेचुलेशंस। सिर्फ अफवाहों से पेट मत भरो, थोड़ी जगह ड्रिंक्स के लिए भी छोड़ दो। राइट, एनीवेज एंजॉय एंड have fun. Arnav, congratulations for your lovely hug.
मेरा मतलब है फॉर न्यू हवेली। अच्छा एक बात बताओ, ये उदय कहाँ पर है? ओहो तो ये बात है जी, दोस्तों से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र है। हाँ भाई होनी भी चाहिए, आखिर वो स्मार्ट है, सेलिब्रिटी है और सबसे बढ़कर आपका बॉयफ्रेंड है। अरे टेंशन मत लो, वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ। अर्णव, उदय को बताया तूने इस हवेली के बारे में? नो नॉट एट ऑल, कुछ खास है। हाय उदय। हाय, कांग्रेचुलेशंस सलोनी, नया घर, नई हवेली और एक नया फैशन शो भी होने वाला है और हमें खबर तक नहीं। नॉट बैड है। अरे उदय, जो मजा सरप्राइज देने में वो खबर देने में, राइट सलोनी? उदय मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हारे आने से कितनी खुश हूँ। खुश नसीब है आप जो इतनी खूबसूरत जगह आपकी हो गई। I'm sorry, आपकी बॉडी बहुत ठंडी है। कार के एसी की वजह से। Anyways, welcome to the party. Thank you so much. उदय, ये लड़की कौन है? I don't know. मुझे रास्ते में मिली थी, बोला कि मुझे सलोनी की पार्टी में जाना है, इसलिए मैं साथ में ले आया। मेरी पार्टी में? लेकिन मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं। क्या? लेकिन इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। पहले कह रही हो जानती तक नहीं, अब बोल रही हो देखा हुआ सा लगता है। Are you okay? उस पेंटिंग को देखो। काफी खूबसूरत पेंटिंग है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ध्यान से देखो, देखो उसे। इस लड़की के बाल हमारे बालों की तरह असली है, बिल्कुल असली। और जब मैं इन्हें देख रही थी तो अचानक इसके बाल हवा में उड़ने लगे। What? हवा में उड़ने लगे? पर कैसे? वैसे इसके बाल हैं तो असली ही। असली बाल? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ वैसी नहीं लगती जैसे कि। ओह यस, ये तो वही लड़की है जो उदय के साथ गाड़ी में आई है। नहीं हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, बिल्कुल वही चेहरा है। लेकिन वो लड़की गई कहाँ? अभी तो यही थी। अरे यही हो गई। पेंटिंग उस लड़की की कैसे हो सकती है? ये पेंटिंग तो काफी पुरानी है। मैं घर जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रुक जाओ मेहर, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। प्लीज रुक जाओ मेहर, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम भी जा रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, बाय। प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। देयर ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट गो।
मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो आई है। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। जाइए। अरे
तुम अभी तक इधर ही हो? जाते भी कैसे, तुम मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं रह लेती हूँ। मतलब तुम सारी रात इस हवेली में थी? हाँ। मतलब सलोनी को ये मालूम है कि तुम यहाँ पर हो? नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। साथ में उसे ये भी बता देना कि वो दीवार तोड़ना बंद कर दे, वरना। दीवार? कौन सी दीवार? वही जिसे आज तक किसी ने नहीं छेड़ा है। कह दो उसे जाके कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उस दीवार को वैसे ही छोड़ दे। अगर वो दीवार टूट गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वो जिंदा नहीं बचेगी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? सुना तुमने? सुना, कह दो उसे दीवार मत तोड़ना, कह दो दीवार मत तोड़ना। जो भी हो, मैं तुम्हें ये दीवार तोड़ने नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। लड़की? किस लड़की ने कहा? वही जो पार्टी में मेरे साथ आई थी कार में। वो तो उस दिन गायब हो गई थी ना, फिर कहाँ मिली वो तुम्हें? वो पूरी रात इस हवेली में थी, यहीं पे। What? वो सारी रात इसी हवेली में थी और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन वो यहाँ कर क्या रही थी? उदय, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कुछ? सोनी, तुम जाने दे। ना आज तक तुमने मेरी बात सुनी है, ना कभी सुनोगी। जो तुम्हारे मन में आता करो। उदय, उदय, आप लोग क्यों रुक गए? जल्दी से तोड़िए इसे। और हाँ, पहले पहले इस ताले को। मैडम, हमें दीवार तोड़नी नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे अरे, रुको तो सही, मुझे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? Thank you.
झूठ भरी है। हमारी ड्रेसेस जल गई तो कोई बात नहीं, मुझे मुझे और ड्रेसेस मिल गई है। अब हमारे शो का नाम नया होगा, दुल्हन। हाँ, और हमारी थीम नई होगी, रॉयल ब्राइड। सलोनी, जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुमने नए डिजाइन्स बना लिए तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्या मैं ये बना नहीं सकती? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मतलब जैसे ही तुम्हें पता चला कि हमारे सारे ड्रेसेस जल गए हैं, उसके 5 मिनट बाद ही तुमने मुझसे कहा कि तुम दुल्हन के ड्रेसेस का शो करने वाली हो, तो इतनी जल्दी ये ड्रेसेस बनाए किसने? वो एक टेलर है, मैंने उसे डिजाइन्स दिए और उसने बना दिए। तुमने हमें बताया तक नहीं? वो मुझे टाइम नहीं मिला। हाय ओ वाओ सलोनी, मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ। प्लीज दिशा, शो से पहले ड्रेस कोई भी ट्राई नहीं करेगा, और खास तौर पे इस ड्रेस को तो हाथ भी मत लगाना कोई। ओके, मैं तुम्हारी मॉडल हूँ, मैं पहनूंगी तो क्या हो जाएगा? दिशा ठीक ही तो कह रही है सलोनी, देखे तो सही कि ड्रेसेस फिट होती भी या नहीं। अगर शो के दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी तो नाक कट जाएगी। याद है राष्ट्रीय एक फैशन शो में एक मॉडल की बीच में ही ड्रेस उतर गई थी। हे भगवान, कहीं मेरा ना ऐसा हो जाए। सलोनी, कहीं शो के बीच में मेरी ड्रेस उतर गई तो? इसलिए अभी देख ले तो ना पहन के। दिशा प्लीज बिहेव योरसेल्फ, एक बार कह दिया तुमसे नहीं मतलब नहीं। तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। देखो दिशा, तुम्हें छोड़ के जाना है तो तुम जा सकती हो, मेरे साथ काम करना है तुम्हें जैसा चाहूंगी वैसा ही करना होगा। बस बस बस, मैच खत्म, इंटरवल। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। उदय प्लीज तुम बीच में मत हो, और तुम सब लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस ड्रेस को कोई हाथ नहीं लगा, अंडरस्टैंड? उदय सलोनी को कुछ हो गया, वो हवेली ठीक नहीं है जहां सलोनी रह रही है। उस दिन वो पेंटिंग, उसके बाल हिल रहे थे, वो बाबू अचानक गायब हो गया। शीशो की सारी ड्रेसेस चल गई, मैं कह रहा हूं जरूर कुछ गड़बड़ है। तो काम्या, फिर से देखी वो लिस्ट, दिशा का नाम है या नहीं देखा? दिशा का नाम तो है ही नहीं। नाम है काम्या, मेरी ड्रेस, मेरी वो दुल्हन वाली ड्रेस। अरे हाँ, ए, ए, कहाँ से मिला ये ड्रेस? कौन है? रुक जाओ वहीं पे। I said stop it. अरे रुक जाओ। काम्या ये। ए रुक जाओ। दिशा। देखो काम्या, दिशा ने क्या किया, इतनी कॉस्टली ड्रेस को इस तरह से फेंक कर चली गई। पर वो गई कहां? वही तो, कहीं वहां तो नहीं? दिशा दिशा, दिशा?
अच्छा लेकिन तुम्हारी लाश तो वो अभी लेकर गए, तुम्हारी अचानक मौत कैसे हो गई? बचा लो उसे, बचा लो, वरना सलोनी को भी वो छोड़ेगी नहीं, वो सबको मार देगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसे, कुछ नहीं किया मैंने। सलोनी प्लीज मत देखो मेरी तरफ इस तरह, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब दिशा ने वो ड्रेस पहनी और कब वो बाथरूम की तरफ भागी। लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है अपनी लाइफ में। वो आंखें दिशा की बड़ी बड़ी आंखें यहां मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, यहां आकर बोलने लगी। होते ही क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दिशा मर चुकी है, she's dead! तुमसे बातें कैसे कर सकती थी? वो मरी नहीं है, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। देखो दे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सलोनी, सच क्या है? ओके, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। उस दिन हुआ ये कि हेलो, हाँ बोलो काम्या। व्हाट सलोनी, ये सब हो क्या रहा है? पहले दिशा और अब जीना? जीना को हुआ क्या है? जैसे ही उसने वो ड्रेसेस पहने वो रैम से गिर गई, उसे बहुत ज्यादा चोट आई है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी हो गए हैं। है कहाँ पर वो? हॉस्पिटल में। क्या हुआ ना? पता नहीं उदय, अरे मैं तो अभी आया, अरे सांस नहीं ले पा रही है, सांस घुट रही है। क्या हुआ? जल गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक ये तीसरा एक्सीडेंट है। पता नहीं लेकिन दिशा, जीना और तनुश्री तीनों ने जब से सलोनी के लाए ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनी है उसके कुछ ही देर बाद उनके साथ ये सब हुआ। सलोनी, मुझे लगता है कि काम में बिल्कुल सही कह रही है, आखिर सच क्या है? हाँ उदय, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकी कि सबके पीछे एक ही कारण है और वो है उस हवेली का एक कमरा। जब मैं उस कमरे में गई वहां दुल्हन के कपड़े थे, ज्वेलरी थी, ऐसा लगा जैसे कि वो किसी दुल्हन का कमरा है। कमरे में फूलों की खुशबू भरी हुई थी, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो फूल इतने सालों बाद भी फ्रेश कैसे थे। उदय, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस प्रिंसेस की ड्रेसेस चुरा ली, और वो ड्रेसेस जरूर उस राजकुमारी की शादी की थी। आई एम श्योर उस ड्रेसेस के पीछे जरूर कोई गहरा राज है, उस ड्रेसेस में जरूर कोई आत्मा है जिसके कारण ये सब मौत हो रही है। Maybe you're right.
मगर एक बात है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा यूं दुनिया में क्यों भटक रही है? और अगर वो कमरा राजकुमारी का था तो वो कमरा और उस सारी चीजों को दीवार के पीछे किसने बंद किया होगा? कहीं वो आत्मा वो लड़की तो नहीं जो मेरे साथ कार में आई थी? उते मुझे लगता है क्या वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत होके रहेगी उदय, मेरी मौत होके रहेगी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सलोनी। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। तो वही लड़की हो ना जो मेरे साथ कार में आई थी? कौन हो तुम? मृण्मयी, राजकुमारी मृण्मयी। राजकुमारी, इस हवेली की राजकुमारी। जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन इसके होने वाले पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी इसने इस हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मगर इसकी आत्मा इस हवेली को छोड़ के जा न सकी, यहीं भटकती रही। इसीलिए इसके पिता ने इसकी आत्मा को बंद करने के लिए इस कमरे को ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और मैं ही इस हवेली की देखभाल करती थी, मगर तुम्हारी सलोनी ने मुझसे दोस्ती की और फिर धोखे से ये हवेली मुझसे छीन ली। ये हवेली मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अब मुझे कोई कुछ वापस नहीं दिला सकता। पर क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। सलोनी को कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मेरे कपड़े चुराए, मेरे जेवर चुराए हैं। उसकी इतनी हिम्मत? लेकिन वो तो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरा कमरा खुला उसने, मेरा कमरा। बहुत प्यार करते हो ना उससे? अचानक से, अचानक। नहीं, सलोनी, हेलो काम्या, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो गलती मत करना, तुम ऐसा करो वो सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी लेकर आ जाओ सलोनी के घर पे अभी। कौन सी ड्रेसेस मतलब? अरे वही ड्रेसेस जो सलोनी कहीं से लेकर आई थी। देखो जल्दी से आना और गलती मत करना, सभी के सब उठाकर लेकर आओ। ओके? क्या हो रहा है? अरे बहुत कुछ हो गया। क्या तुमने सलोनी को देखा है? हाँ, वो वहां पर। सलोनी, मृण्मयी, मृण्मयी, उदय,
तुम फिर आ गए। सलोनी कहाँ है मृण्मयी? सलोनी मर गई। ये तुमने क्या किया मृण्मयी? अच्छा किया तुमने उदय, आज मेरी शादी है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मृण्मयी। सलोनी तुम? मैंने कहा ना, सलोनी मर चुकी है। सलोनी भी मेरे साथ आने वाली है टेरेस पे। हम दोनों एक साथ घूमने वाले हैं। मृण्मयी रुक जाओ। मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे की? पर सलोनी को छोड़ दो। उदय, मेरी शादी होने से पहले मेरे पति की मौत हो गई थी, मगर मैं तुम्हें छोड़ देती। नहीं, प्लीज प्लीज सलोनी को छोड़ दो। सलोनी तो मेरे साथ जा रही है, इसे जाना ही पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। मगर कैसे होते? अगर मृण्मयी को मारेंगे तो सलोनी भी मरेगी। हमें पहले मृण्मयी को सलोनी के शरीर से निकालना होगा। कैसे होते? ऐसा करो, मृण्मयी का सारा सामान जल्दी से सब इकट्ठा करो, जल्दी। मुझे खत्म नहीं कर पाओगे उदय।
बल्कि मुझे और भी नाराज कर दिया है तुमने। मैं जानता हूँ तुम्हारी चीजों को जलाकर मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन जो काम तुम्हारी चीजें नहीं कर सकती वो ये करेगी। देखो पहचानो उसे, ये है तुम्हारी मौत, तुम्हारी मुक्ति का रास्ता। सलोनी छोड़ दो अभी हवेली। छोड़ दूं? पर उदय अब तो मृण्मयी खत्म हो चुकी है। फिर भी छोड़ दो। मैंने इस पर इतने पैसे लगाए हैं उदय। अरे भूल जाओ पैसे वैसों को, छोड़ दो ये जगह। प्लीज उदय मैं ये हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं छोड़ना चाहिए तो मत छोड़े, रहने दे उसे उधर ही। तुम दोनों ना चमचे हो सलोनी के। अच्छा जी, चमचा तो मैं आपका भी हो सकता हूँ। पहले कभी बताया नहीं। अभी मिलो तो सही। उदय, उदय, ओह माय गॉड, उदय, उदय, मृण्मयी तो चली गई थी ना? हाँ, मगर क्यों पूछ रहे हो तुम? वो कौन है? कौन? उदय, उदय, क्या मजाक लगा रखा है? क्या हुआ मालकिन? कुछ कहा आपने? लगाओ, ध्यान लगा के याद करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, आत्मा आएगी। अब मुंह ऊपर करो, कॉलेज में जब एक सीनियर ने हमें डराने के लिए वो केमिस्ट्री लैब वाली कहानी सुनाई थी। ओ हाँ, स्टूडेंट की गलती की वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई थी और उस प्रोफेसर की आत्मा अभी भी उस लैब में भटकती है। और हमारी बहादुर मिली ने उसके बाद उस लैब में एक बार झांककर तक नहीं देखा था, प्रैक्टिकल भी नहीं दिए थे। वो कॉलेज के टाइम की बात थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, पर साबित करके दिखा के तो अब नहीं डर। ऑफ कोर्स साबित करो, तुम सिर्फ बताओ मुझे क्या करना है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। सोच ले, मैंने कहा ना तुम सिर्फ कहो मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर तू वाकई में बहादुर है तो अभी बाथरूम में जा और वहां पर शीशे के सामने खड़े होके तीन बार शैतानी शबनम बोल के दिखा। शैतानी शबनम? तुमने इससे ज्यादा तेरे से कुछ सोचा नहीं गया क्या? हाँ, तेरे लिए इतना ही काफी है। पर ये शैतानी शबनम है कौन? वो एक आत्मा है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। मैंने तो सुना है कि शैतानी शबनम नाम की एक औरत थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई बस। और मौत के बाद भी वो जिंदा है, और अगर तुम बाथरूम में जाकर शीशे के सामने उसका नाम लोगी तो वो अचानक प्रकट हो जाएगी और मुझे मार डालेगी, है ना? तुम भी सच में? हाँ, और वो इंसान को मारने के लिए उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है। क्या झूठ है सब? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कुछ सच नहीं है। मैं अभी जाके उसका नाम लेके उसे बुलाते हैं। वो
ओके रुक एक मिनट, ये लेके जाओ। जाओ ना। शैतानी शबनम का नाम लेके उसका क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी, हमें लगा कुछ हो गया तुम्हें। मुझे तो तब कुछ होता ना जब शैतानी शबनम नाम की कोई चिड़िया इस दुनिया में होगी। चारू, 3 बार क्या 100 बार भी इसका नाम पुकारोगी ना, तब भी शीशे से कोई नहीं निकलने वाला, समझे तुम? सब देख लिया ना, कैसी लगती है तुम्हारी शैतानी शबनम? मिली मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रात के वक्त इतना हल्ला मत मचाया करो। सॉरी पापा। और ये क्या? सब जगह कैंडल्स? पापा बस ऐसे ही। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं सिखा रहे हो मिली को ना? नहीं 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 अंकल। नहीं अंकल। कोई आत्मा वात्मा तो नहीं बुला रहे हो ना? नहीं बस हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ बस मजाक। आत्माओं से मजाक मत करो। आंखें दे दो। मिली 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 चीख सुन के यहाँ आ जाते ना तो पूरी गड़बड़ हो जाती, और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं पापा से बच के निकली थी। अंकल ऑलरेडी यहाँ पे एक चक्कर लगा चुके हैं और हमें डांट भी पड़ चुकी है। डांट पड़ चुकी है
लेकिन दीदी आप तो डिनर खाने के बाद रूम में गए थे ना सुने, तो फिर यहाँ से कैसे आई? मैं वरुण से मिलने गई थी। क्या वरुण से मिलने इतनी रात को? पापा को पता चल गया तो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ से एंट्री मारने का शौक है? बड़ी मुश्किल से तो पापा से बचने का ये फिल्मी आइडिया निकाला था मैंने। पर सुना दीदी आप, पर अगर तुमने पापा से कुछ भी कहा तो पापा तो मुझे बाद में मारेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी, समझी? चल गुड नाइट। लेकिन दीदी बच गए सच में। मिली, इस तरह रोने से अब कुछ नहीं होगा, पापा तो अब आ नहीं सकते, तुम प्लीज चुप हो जाओ। ख्याल से अब तुम दोनों को अंदर चलना चाहिए। नहीं, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा इधर आसपास ही हैं और वो मुझे बुलाने वाले हैं। मिली मिली होश में आओ, मिली पापा, मिली होश में आओ, क्या कह रही हो? मिली अंदर चलो, चलो बुला रहे हैं। नहीं मिली, मिली अंदर चलो, सच में मिली अंदर चलो, चलो मिली, मिली चलो, सोनिया तुम भी आओ। मुझे आने में थोड़ी देर होगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अंकल ऐसे अचानक? कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण कैसे हुआ। मैं कल रात हॉल से कमरे में जा रही थी तब मैंने देखा कि वहां पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी और आगे जाके देखा तो डैड वरुण डैड की आंखों से खून आ रहा था। आंखों से खून? तो क्या बोला, कुछ बताया? उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ अजीब सी बीमारी का नाम बता रहे, पर वरुण डैड की आंखों से खून कैसे आ सकता है? सोनिया सोनिया हिम्मत हिम्मत रखो, सोनिया हिम्मत करो। वरुण डैड की आंखें निकाली किसी ने? ये सब होने के कुछ देर पहले ही अंकल हमसे बात करके गए थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ तो हुआ क्या। सारी गलती मेरी है वरुण, मैंने पापा की बात टाली और देर रात तुमसे मिलने चली गई, शायद इसलिए पापा। सोनिया खामखा अपने आप को दोष मत दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने पापा को मारा, पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। मिली उठो, मिली उठो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी वजह से पापा? मैंने शैतानी शबनम को बुलाया था। शैतानी शबनम? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें मिली। हाँ सुनिया, पर कुछ लोग इन बातों को सच मानते हैं और वो लोग सही मानते हैं। मिली
मिली मिली दीदी, शीशे के सामने मैंने 3 बार शैतानी शबनम का नाम लिया था और शायद इसलिए वो आई और पापा को। सब मेरी गलती है दीदी, सब मेरी गलती है। बहुत डर लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये सब शैतानी शबनम की वजह से हुआ, पर अगर तुमने शैतानी शबनम को बुलाया है तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे पापा हो क्यों? वरुण, पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कल जब वो बस मिली, अभी अभी तुम्हारे डैड की डेथ हुई है और तुम ये क्या बकवास लेकर बैठी हो? शीशे में से निकल कर कोई शैतानी शबनम किसी को नहीं मार सकती। चलो जाओ, अब आराम करो। हाँ वरुण। ईशा, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कहीं सोनिया की डैड की मौत उस शैतानी शबनम की वजह से तो? तुम भी ना वरुण, मिली की बातों में आ गए। डैड की मौत की वजह से मिली थोड़ी बहक गई है। हाँ, पर कुछ तो सच होगा उसकी बातों में। क्या सच होगा? हाँ, यही कि मिरर में से कोई निकलता है और आदमी को मार देता है। हाँ। देखो, मैं अभी एक मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ। देखो ईशा, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। और अब मैं तुम्हारी प्यारी शैतानी शबनम का नाम 3 बार लूंगी। शैतानी शबनम। ईशा, तुम्हें क्या करी हो? शैतानी शबनम। ईशा हट जाओ उस आईने के सामने से। कम ऑन शैतानी शबनम। ईशा पागल मत बनो, उस आईने के सामने से हट जाओ। हेलो ईशा, ईशा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ईशा, हेलो। डर गए ना? देखो, कुछ भी नहीं हुआ। नो शैतानी शबनम, कोई बाहर ही नहीं आया। भगवान, ईशा तुम ये क्या कर रही हो? इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। इसके
नीचे भी कुछ लिखा हुआ। इसके भी मुझे लग रहा है कि इस मिरर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। वरुण, हमें इन सब टुकड़ों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, और वैसे भी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। क्या हम ईशा की मौत के बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे? पुलिस को भी बताएंगे, और हम ये भी जानेंगे कि ईशा की मौत और अंकल की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। ऐसे यहाँ रखते, ऐसे रखते हैं। किसी का नाम है, अगर किसका? पर शीशे के पीछे ये नाम आया कहां से? मिरर के पीछे ये नाम किसने लिखा है? होना हो परीक्षा की मौत और इस नाम के बीच कोई रिश्ता जरूर है, जरूर है। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ समझ में आया क्या? हाँ मिली, तुम्हें शायद पता ना हो, पर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती पर तुम दोनों जानते हो? और अगर जानते हो तो मुझे बता क्यों नहीं देते? बताओ ना, क्या बात है? सुने दी, शान उस लड़के का नाम है जो क्या दीदी, बताइए ना। जो कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था, उस लड़के की मौत की जिम्मेदार ईशा थी। तो तुम्हारा मतलब है कि ईशा को उस लड़के शान की आत्मा ने मारा? पता नहीं, लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि ईशा को शैतानी शबनम ने मारा। सोनिया, डैड की मौत इस मिरर के सामने हुई थी। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या नाम लिखा। सोनिया, सुना नहीं? देखो, मैंने कहा था ना यहाँ भी कुछ है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी देखो क्या है। मम्मी का नाम था। सोनिया, इसका मतलब ये कि तुम्हारी मम्मी की मौत तुम्हारे पापा की वजह से हुई थी। Shut up, just shut up। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब झूठ है, समझे तो? पर मिली, मैं तो सिर्फ Get out, चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, वरुण अकेला छोड़ दो। अरे मिली, मेरी बात तो सुन। मिली, सोनिया, वाकई में तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा ने? पता नहीं वरुण, पर कुछ तो हुआ था, मगर आज तक पता नहीं चला कि मामा की मौत कैसे हुई थी। पुलिस ने काफी छानबीन की पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला।
मुझे सब समझ आ गया है। होना हो सोनिया, तुम्हारे मम्मी की मौत के पीछे तुम्हारे पापा का ही हाथ है, क्योंकि शैतानी शबनम सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जो किसी न किसी के मौत के जिम्मेदार है और इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं पता। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? कहीं मेरे साथ भी? प्लीज सोनिया, तुम ऐसा मत करो। राहुल, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बस एक दोस्त। राहुल, राहुल, but I'm really sorry, राहुल, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकती। लेकिन सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर राहुल, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पर मैं तो यही समझ रहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने ये भी तो नहीं कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओहो राहुल, अगर नहीं कहा तो अब कह देती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। ठीक है, गलती तो मैंने की है ना, तो सजा भी तो मैं ही भुगतूंगा। देखो, ये फिल्मी बातें बंद करो, तुम अब बच्चे नहीं हो। मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है सोनिया। राहुल, पागल हो गए? क्या कर रहे हो तुम? कोई बचपना नहीं है सोनिया, कोई बचपना नहीं है सोनिया। गोली मार ली उसने अपने आप को। मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी जान दे देगा। मैंने उसे नहीं मारा वरुण, मैंने उसे नहीं मारा। सोनिया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सारी बातें तुम समझ रहे हो वरुण, पर वो शैतानी शबनम, वो ये सब नहीं समझेगी। राहुल की जान मेरी वजह से गई है, और उसके लिए वो शैतानी शबनम, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी? कुछ नहीं होगा। वरुण, मैं मरना नहीं चाहती। वरुण, वरुण, मैं मरना नहीं चाहती। सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैतानी शबनम की अगली शिकार तुम नहीं बनोगी। उससे पहले ही हम उसे वापस वहां भेज देंगे जहां से वो आई है। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। मिली ने उसे बुला लिया। आओ शैतानी शबनम, आओ शैतानी शबनम। मिली, क्या कर रही हो तुम? मैं ये शैतानी शबनम को बुला रही हूँ ताकि जब वो आएगी मैं ये शीशा तोड़ दूंगी। तुम लोगों को लग रहा है कि डैड ने बम को मार डाला ना, मैं तुम दोनों की गलतफहमी दूर करके रहूंगी। मैं डैड को बेकसूर साबित करके रहूंगी, समझे तुम? तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा दिमाग से काम लो, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? तुम जानती, तुम्हारी ये नादानी सोनिया को कितनी महंगी पड़ सकती थी। दीदी, क्या हुआ? दीदी, वो देखो, शैतानी शबनम आ गई। हाँ है शैतानी शबनम, परो शीशे में ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो शीशे में तो वो मुझे घूर रही है, वो मुझे मार देगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे देख लिया, वो मुझे मार देगी। शीशे के सामने बना, देखो आपको कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो शैतानी शबनम कुछ नहीं कर पाएगी। शैतानी शबनम, हम घर के सारे आईनों को ढक देंगे। अब कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इससे पहले कि वो शैतानी शबनम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम इस वक्त कहां जा रहे हो? सोनिया, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तुम घर से बाहर कदम मत रखना। मिली, प्लीज सोनिया का ध्यान रखना। आई होप कि जिसकी फाइल डिटेक्टिव सूरज ला रहा है वो शैतानी शबनम की ही हो, शायद उसी फाइल से कुछ पता चल जाए।
सूरज इतनी देर लगा दी आने में? यार काम ही कुछ ऐसा है डिटेक्टिव जो ठहरा। देखो सूरज, इस वक्त तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि यार इन सब चक्करों में मत पड़ो, काम का मुसीबत में फंस जाओगे यार। पता है, लेकिन ये मेरी सोनिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या कुछ साल पहले किसी शबनम नाम की लड़की की मौत हुई थी अजीब गरीब हालात में? यार एक केस ऐसा मेरे सामने आया था। कब? तकरीबन 4-5 साल पहले। इस लड़की की मौत कैसे हुई थी तुम्हें कुछ पता है? नहीं, इस लड़की की मौत की वजह अभी तक एक राज ही है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसका खून किया था। शायद कुछ आपस में कहा सुनी हो गई थी दोनों, लेकिन ये भी सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हकीकत में क्या हुआ था यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसकी मौत इस शीशे के सामने हुई थी। दीदी वरुण का फोन भी नहीं आया। आप कुछ लेंगी? पानी? हाँ। दी मैं पानी भर के आती हूँ। कहने का मतलब यह है कि उस औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा किसी शीशे में घुस गई और अब वो जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को मार रही है जिनके गुनाह के बारे में किसी को नहीं पता। यार वरुण, वो कोई भूत प्रेत आत्मा है या फिर कानून की रखवाली? सूरज रहने दो, तुम नहीं समझोगे। ये लो। अगर ये पर्दा गिर जाता तो क्या होता? वो शैतानी शबनम आके तुम दोनों को कहा था ना ध्यान रखो, और तुमसे मैंने कहा था कि सोनिया को छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन मैं तो किचन में पानी लेने गई थी, मुझे क्या पता था कि। अच्छा ठीक है, अब आइंदा से जरा ध्यान रखना। परुण लेकिन तुम गए कहां थे? ये देखो। ये तो शैतानी शबनम की फोटो है। हाँ, और ये वो आईना है जिसके सामने उसकी मौत हुई। अगर हम इस आईने को तोड़ने में कामयाब हो गए तो शैतानी शबनम का खेल खत्म हो जाएगा। पर वरुण, ये आईना तो काफी अजीब और पुराना लग रहा है, इसे कहाँ ढूंढेंगे हम? ढूंढना तो उसे पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें पूरा शहर क्यों ना छानना पड़े। कहाँ आ रही हो? तुम यहीं रहो, हम जाके देख लेंगे। नहीं वरुण, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैं यहाँ बैठ के मौत का इंतजार नहीं कर सकती। पर सोनिया तुम। वरुण प्लीज, तुम लोगों के सामने कुछ होगा तो तुम लोग बचा तो सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट, पहले मैं कार के सारे मिरर बंद कर दूं और ना वो कार में भी आ जाएंगे। सोनिया दी, आप कार की तरफ देखिए। पूरी दुनिया में मिरर ही मिरर भरे पड़े हैं, मैं कब तक बचूंगी?
सोने दे, मत देखो प्लीज प्लीज। आ जाओ चलियो, गाड़ी को मत देखिए, नीचे देखिए जल्दी। का घर है? हाँ, यही है शैतानी शबनम का घर, और यही हमें वो आईना मिलेगा जो शैतानी शबनम के मौत के वक्त उसके पास था। चलो जी बोलिए। बोलिए क्या काम जी? शबनम जी का मकान यही? जी मकान तो यही है, लेकिन शबनम बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ हम जानते हैं, दरअसल हम तीनों उनके दोस्त हैं। कुछ काम था? हाँ, क्या हम घर के अंदर का सामान देख सकते हैं? सामान तो आप तब देखेंगे ना जब यहाँ कुछ होगा। मतलब? मतलब शबनम बिटिया की मौत के बाद उनकी माँ यहाँ आई थी, वो घर का सारा सामान बेच कर वापस चली। बेच कर? वो शीशा भी? उनके पास एक शीशा था, बड़ा अजीब सा था, काफी पुराना था। वो भी सारे सामान के साथ बेचा था। किसे बेचा? बांद्रा में एक पुराने फर्नीचर की दुकान है, उसी को सब बेचा था। शीशा, सोनिया यहाँ इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ। लेकिन मैं वो शैतानी शबनम? सोनिया जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, यहाँ नहीं सकती।
कोई भी नहीं बच सकता मुझसे उलझ कर। तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब शैतानी शबनम का अंत खुद उसी के हाथों से होगा। तुम दोनों हट जाओ। वरुण, सब कुछ खत्म हो गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो बाहर चलते हैं। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।